हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। स्वागत है आपका मेरे चैनल पे। मैं हरप्रीत पटेल बात करूंगा आपसे इस वीडियो में बाल विकास के 9वें मॉक टेस्ट के संबंध में। और अगर आप मेरा चैनल पहली बार देख रहे हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा और बेल आइकन को भी दबाना मत भूलिएगा, जिससे कि आपको नई वीडियोज़ की नोटिफिकेशन समय से मिलती रहे। और अगर आपने पहले के 8 मॉक टेस्ट बाल विकास के नहीं किए तो आप कर सकते हैं, डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा, आप वहां से कर सकते हैं। और अगर आपने बाल विकास के महत्वपूर्ण प्रश्नों की वीडियो नहीं देखे हैं तो उसका भी लिंक आपको मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन में, आप वहां से उनको भी देख सकते हैं। तो अपना मॉक टेस्ट शुरू करते हैं। पेन और पेपर उठा लीजिए और लिखना चालू कीजिए। मैं आपको थोड़ा सा समय दूंगा सोचने के लिए, फिर मैं अपना उत्तर बताऊंगा। और जब मॉक टेस्ट पूरा हो जाता है तो कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि आपने 30 में से कितने प्रश्न सही किए। तो शुरू करते हैं। पहला प्रश्न है हमारा, TAT से किसका मापन किया जाता है? तो ये किया जाता है व्यक्तित्व। TAT से जो है व्यक्तित्व का मापन किया जाता है, इसलिए इसका ऑप्शन सी सही है। अगला प्रश्न है, मनोविज्ञान की प्रथम प्रयोगशाला कब स्थापित की गई? तो ये स्थापित की गई थी 1879 में, इसलिए इसका ऑप्शन सी सही है। विलियम मुंट के द्वारा स्थापित की गई थी। अगला प्रश्न है, व्यवहार के कारण ही व्यवहार में परिवर्तन ही अधिगम है, यह कथन किसका है? मैंने इसकी ट्रिक बताई हुई, एकदम से आपको फटाक से आ जाना चाहिए। इसका ऑप्शन सी सही है, गिलफोर्ड। व्यवहार और व्यवहार नाम के दो आदमी थे, आपस में लड़े और एक दूसरे का गला फोड़ दिया, इस तरीके से मैंने आपको बताया था, इसलिए इसका ऑप्शन सी सही है। और ये ट्रिक देखने के लिए जो है आप देख सकते हैं अधिगम वाला वीडियो। अगला प्रश्न है, कौन सा नियम थांडाइक का नियम नहीं है? प्रभाव का नियम, तत्परता का नियम, सामान्यीकरण का नियम या पर्यास एवं त्रुटि का नियम? इसमें से थांडाइक का नियम कौन सा नहीं है आपको बताना है। तो इसमें से सामान्यीकरण का नियम थांडाइक साहब का नहीं है, इसलिए इसका ऑप्शन सी सही है। और आई थिंक आपको अच्छा लग रहा होगा मेरे वीडियोस करते हुए, मॉक टेस्ट कैसे लगते हैं आप कमेंट में नंबरों के साथ आप ये भी बताएं कि आपको मॉक टेस्ट मेरा कैसा लगता है, लेवल कैसा है, क्योंकि मुझे नहीं लगता इतना टफ जो है बाल विकास का पेपर नहीं आता है, इसी वजह से मैं इस तरीके से बनाता हूँ। लेकिन मैं आपको थोड़ा सा और लेवल देने की कोशिश करूँगा। अगला प्रश्न है, कैलिकॉक परिवार का अध्ययन किसने किया? तो ये किया है गोडार्ड ने, इसीलिए इसका ऑप्शन बी सही है। अगला प्रश्न है, रेल मंत्रालय अंधे व्यक्तियों के लिए कितने प्रतिशत छूट प्रदान करता है किराए में? रेल मंत्रालय अंधे व्यक्तियों के लिए किराए में कितने प्रतिशत छूट देता है? अंधे जिनको दिखाई नहीं देता है बिल्कुल, उनके लिए 70, 45, 50 या 100? तो ये है डी, 100%। जिनको बिल्कुल भी नहीं दिखाई देता उनके लिए रेल मंत्रालय जो है वो 100% की छूट देता है किराए में, इसलिए इसका ऑप्शन डी सही है। अगला बहुत ही अच्छा प्रश्न है, कोठारी आयोग की स्थापना कब हुई? तो ये हुई थी 1964 में, इसलिए इसका ऑप्शन सी सही है। अगला प्रश्न है, स्किनर ने किस जानवर पर सबसे पहले प्रयोग किया था? तो स्किनर ने किया था चूहे पर, इसीलिए इसका ऑप्शन ए सही है। अगला प्रश्न है, पियाजे ने संज्ञानात्मक विकास की कितनी अवस्थाएं बताई हैं? तो पियाजे ने बताई हैं 4 अवस्थाएं, इसीलिए इसका ऑप्शन बी सही है। अगला प्रश्न है, स्मृति से तात्पर्य अतीत की घटनाओं की कल्पना करना और इस तथ्य को पहचान लेना भी ये अतीत के अनुभव हैं, किसका कथन है? तो ये है कथन मैकडूगल का, इसलिए इसका ऑप्शन बी सही है। अगला प्रश्न है, अपने अध्ययन के मध्यकाल में अपनी कक्षा कार्य जो अपनी आयु के अनुसार एक कक्षा के नीचे का है करने में असमर्थ रहता है, वह पिछड़ा बालक है, यह कथन किसका है? मतलब इसमें कहा गया है एक बालक है वो
अपनी कक्षा से निचली कक्षा के कार्य को नहीं कर पाता है तो वह पिछड़ा बालक है, यह कथन किसका है? तो ये कथन है बर्ट का, इसलिए इसका ऑप्शन ए सही है। अगला प्रश्न है, दिए हुए प्राप्तांकों के समूह में जो प्राप्तांक बहुधा सबसे अधिक बार आता है क्या कहलाता है? ये कहलाता है बहुलक, इसलिए इसका ऑप्शन सी सही है। अगला प्रश्न है, स्पीयरमैन के द्विकारक सिद्धांत में एस फैक्टर किस प्रकार का फैक्टर है? जन्मजात है, सामान्य है, विशिष्ट है या इनमें से कोई नहीं? तो ये आपका है विशिष्ट फैक्टर, अर्जित फैक्टर जिसे कहते हैं, इसलिए इसका ऑप्शन सी सही है। अगला प्रश्न है, कोहलर कहाँ के निवासी थे? ये थे जर्मनी के, ऑप्शन डी सही है। अगला प्रश्न है, अनुकूलित अनुक्रिया सिद्धांत के प्रवर्तक हैं? तो बताइए इसमें से कौन सा ऑप्शन आपका सही होगा? तो ये सही है आपके पावलोव, इसीलिए इसका ऑप्शन बी सही है। अगला प्रश्न है, सामान्य बुद्धि का आईक्यू कितना होता है? तो ये होता है 90 से 110, इसलिए इसका ऑप्शन बी सही है। अगला प्रश्न है, जिस वक्र में प्रारंभ में सीखने की गति तीव्र होती है और बाद में क्रमशः मंद हो जाती है, तो ये वक्र कैसा वक्र है? तो ये है आपका उन्नतोदर वक्र, इसीलिए इसका ऑप्शन बी सही है। मैंने आपको बताया था ना कि जैसे ऊ और ना उन्नतोदर, तो जिसमें पहले सीखने की गति ऊंची होती है बाद में नीची हो जाती है, तो आपका क्या होगा, उन्नतोदर वक्र। ये भी वीडियो बना हुआ है, आप देख सकते हैं। अगला प्रश्न है, उदाहरण निरीक्षण विश्लेषण वर्गीकरण नियमीकरण निम्नलिखित में से किस विधि के सोपान है? तो ये है आपके आगमन विधि के। देखिए, जिसमें सबसे पहले उदाहरण बताया जाता है वो होता है आगमन, और सबसे पहले जिसमें नियम बताया जाता है वो होती है आपकी निगमन विधि। ये ध्यान रखने वाली बात है। अगला प्रश्न है, पढ़ने की अक्षमता का संबंध है अफेजिया अग्रेफिया एलेक्सिया या डिस्कैल्कुलिया? तो ये संबंधित है आपका एलेक्सिया से, इसीलिए इसका ऑप्शन सी सही है। अगला प्रश्न है, अधिगम का तलरूप सिद्धांत किसने दिया? तो ये दिया है लेविन ने, इसलिए इसका ऑप्शन डी सही है। और आई थिंक मेरे मॉक टेस्ट करके आपको मज़ा आ रहा होगा, क्योंकि मैं इस तरीके के प्रश्न देता हूँ जो एग्ज़ाम में आए हुए हैं। इतना घुमावदार मैं प्रश्न नहीं देता हूँ। एग्ज़ाम में भी ऐसा होता है कि 30 प्रश्न में से जो है 2 या 3 क्वेश्चन थोड़ा सा टफ होता है, फिर नहीं टफ होता है। मतलब एटलीस्ट जो है 25 या 26 नंबर लाए जा सकते हैं बालूकास्ट में। तो मैं उसी हिसाब से आपको मॉक टेस्ट देता हूँ। अगला प्रश्न है, वुडवर्थ के अनुसार स्मृति का आयाम नहीं है, तो ये है आपका ऑप्शन बी, तर्क करना जो है स्मृति का आयाम नहीं है, इसीलिए इसका ऑप्शन बी सही है। अगला प्रश्न है, ह्यूरिस्टिक विधि किसने दी है? कभी कभी क्वेश्चन रिपीट हो जाते हैं तो अच्छी बात है, आपका रिवीजन हो जाता है, और आपको जो भी प्रश्न नहीं आते हैं तो आप लिख सकते हैं मॉक टेस्ट के अनुसार। अगला प्रश्न है, ह्यूरिस्टिक विधि किसकी है? तो ये है आपकी आर्म एंगस्ट्रॉम की, इसलिए इसका ऑप्शन बी सही है। अगला प्रश्न है, सांख्यिकी है कला विज्ञान या दोनों या इनमें से कोई नहीं? तो इसका ऑप्शन सी सही है, सांख्यिकी है कला और विज्ञान दोनों। अगला प्रश्न है, साइकी शब्द का अर्थ है व्यवहार आत्मा मन या इनमें से कोई नहीं? तो साइकी शब्द का अर्थ है आत्मा, इसीलिए इसका ऑप्शन बी सही है।
अगला प्रश्न है, रास के अनुसार शैशवावस्था का समय कितना होता है? तो रास ने जो है शैशवावस्था का समय बताया है 1 वर्ष से 7 वर्ष, इसलिए इसका ऑप्शन बी सही है। अगला प्रश्न है, शब्द सहचर विधि किसने प्रदान की है? तो ये दी है गाल्टन ने, इसलिए इसका ऑप्शन सी सही है। अगला प्रश्न है, बिना सामान्य परीक्षण द्वारा किसका मापन किया जाता है? सामान्य बुद्धि का, विशिष्ट बुद्धि का, अभिवृत्ति या अधिगम क्षमता? यहाँ पे आप लोग सामान्य बुद्धि जोड़ लीजिए, आप बताइए इसका ऑप्शन क्या सही होगा। तो बिने साइमन ने जो बिने साइमन परीक्षण है वो विशिष्ट बुद्धि का मापन करता है, इसीलिए इसका ऑप्शन बी सही है। अगला प्रश्न है, थॉर्नडाइक ने बुद्धि के प्रकार कितने बताए हैं? तो थॉर्नडाइक ने बताए हैं 3, ऑप्शन बी सही है। कुछ लोग कहते हैं सर कि बाल विकास के सिलेबस में जो है बुद्धि नहीं है, तो बुद्धि नहीं है तो इसका मतलब नहीं है कि आएगा नहीं। हाँ, केस करने वाले तो केस कर सकते हैं कि एग्ज़ाम में सिलेबस में नहीं है, ये नहीं आया, लेकिन बाल विकास है, बाल विकास से तो कुछ भी पूछा जा सकता है। तो बुद्धि को चैप्टर को भी मैंने कवर कर लिया है, आप देख सकते हैं उसके वीडियो को। छोड़िए कुछ भी मत छोड़िए, नहीं तो हो सकता है एक प्रश्न को लेकर आपको प्रॉब्लम हो सकती है। एक एक प्रश्न से तो पास होते हैं, एक एक नंबर से लेकर। तो थॉर्नडाइक ने बुद्धि के 3 प्रकार बताए हैं, मूर्त, अमूर्त और सामाजिक, इसीलिए इसका ऑप्शन बी सही है। अगला प्रश्न है, निम्न में से किस स्तर में बच्चे अपने समकक्षी वर्ग के सक्रिय सदस्य बनते हैं? तो ये बनते हैं किशोरावस्था में, इसीलिए इसका ऑप्शन ए सही है। अगला प्रश्न है, वुडवर्थ की थ्योरी कौन सी है इसमें, सी आर एस आर, आर एस या एस ओ आर? तो वुडवर्थ की थ्योरी है एस ओ आर, इसीलिए इसका ऑप्शन डी सही है। सी आर थ्योरी पावलोव, एस आर थ्योरी है आपकी थॉर्नडाइक की, आर एस थ्योरी है स्किनर की। तो मेरा वीडियो यहाँ पे ख़त्म होता है, और अगर आपने मतलब मेरा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, और ये मत बताना भूलिएगा कि आपने 30 में से कितने प्रश्न सही किए। थैंक यू फ्रेंड्स, आपका मेरे चैनल पर आने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो।